प्रधानमंत्री पर विवादास्पद टिप्पणी करने वाले पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की आखिरकार हाईकोर्ट से जमानत मिल जाने के बाद आज पबई की उप जेल से रिहाई हो गई। इस दौरान उनके पारिवारिक मित्र समर्थकों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं श्री पटेरिया ने जेल में बिताए 2.5 महीनों को शानदार बताते हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उनका कहना था कि जेल में किसी प्रकार की जातिवाद नहीं होती है, धर्म समाज विशेष की बात नहीं होती है, इसलिए यह सबसे शानदार जगह है। हमारे जिंदगी के 2.5 महीने शोध संस्थान थे, महात्मा गांधी शोध विश्वविद्यालय है हमारे लिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उनके उनके प्रयास उनके कारण मुझे यहाँ आना पड़ा, और मैं उनको बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे जीवन के अद्भुत किस्म के जीवन के अनुभव प्राप्त हुए हैं जो जिनका जो अमूल्य है। और माननीय कमलनाथ जी को मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने हमारे परिवार का से हमेशा सतत संपर्क में हमारी पत्नी और पुत्र के रहे और परिवारजनों के रहे, और हमारे दोस्त हमारे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का, हमारे साथी हमारे अध्यक्ष रहे पीसीसी चीफ अरुण यादव जी का मैं बहुत आभारी हूँ, और हमारे राजनीतिक गुरु रघु ठाकुर का जो हमसे संवाद हुआ, और हमारे मित्र और हमारे नेता रहे शरद यादव की पत्नी के संदेश मुझे प्राप्त हुआ जो स्वर्गवासी हो गए पिछले दिन शरद यादव जी, और उनकी लड़की बुलबुल का, उनके हम बहुत आभारी हैं। हमारे मित्र केसी त्यागी के हम बहुत आभारी हैं, उदय मिश्रा के हम आभारी हैं, अजय टंडे, जो भी हमारे सैकड़ों साथी यहाँ आए, 50-50 साथियों को तो मिलने नहीं मिला किन्हीं कारणों से, तो उनका भी मैं बहुत आभारी हूँ, पवित्र क्षेत्र की जनता का आभारी हूँ, और इस क्षेत्र में व्याप्त जो असमानता है, शोषण है, अनाचार अन्याय है, उसके खात्मे के लिए शेष जिंदगी बुंदेलखंड के उद्धार के लिए खर्च करूंगा, और पवई तो हमारा जमीनी का काम है, यहाँ तो लगातार संघर्ष करूंगा। जेल के अंदर कैसा रहा आपको? जेल के अंदर सबसे बड़ी जो हमने अनुभूति प्राप्त की, इस देश को जात ने खाया है 3000 साल, एक देश गुलाम जाति के कारण रहा, यहाँ पंडित और शूद्र और मैतर और बसोर और हरिजन और आपका आदिवासी एक साथ खाना खाता है और एक साथ बनाता है, एक साथ रहता है, यहाँ जात खत्म हो गई, हिंदू मुसलमान कोई लड़ाई नहीं हो रहा यहाँ, ये तो सबसे शानदार जगह है।